और इस बीच अब बात उमेश पाल हत्याकांड की करेंगे, जिसको लेकर अब इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। इस पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्याकांड को अंजाम देने से पहले असद ने 16 मोबाइल फोन सिम और 16 सिम खरीदे थे। ये सब फर्जी नाम पते से खरीदे गए मोबाइल के सारे सिम प्री एक्टिवेटेड थे। हत्याकांड के बाद हर शूटर को 3-3 मोबाइल फोन और 3-3 सिम कार्ड दिए गए थे। शूटरों के हत्याकांड के बाद पुराने सिम और फोन से बात करना बंद कर दिया। नए फोन और सिम की वजह से शूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को चकमा देकर फरार हो गए। खबर यह भी आ रही है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शाइस्ता ने शूटरों को 1,00,000 रुपए दिए। शूटरों को पैसा देने की पुष्टि होने के बाद ही पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम घोषित किया था।